नवरात्र के समय हर जगह माँ दुर्गा का पंडाल लग जाता है। इसके साथ ही रामलीला का 9 दिन का मंचन शुरू हो जाता है। हम सोनभद्र के रेणुकूट हिंडालको की रामलीला दिखाते हैं। जैसा कि इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार यहां पर 8 से 9 स्टेज पर एक साथ मंचन होता है। करीब 200 से ज्यादा कलाकार हर दिन रामलीला का सुंदर मंचन करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा जमुनी तपजीय देखने को मिलती है। यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग और ईसाई धर्म के सभी लोग मिलकर एक साथ रामलीला का मंचन करते हैं। सोनभद्र के रेणुकूट में नवरात्र के महीने में हिंडालको द्वारा आयोजित रामलीला का सुंदर मंचन देखने को मिल रहा है। रेणुकूट के रामलीला मैदान में चल रहे सुंदर लीला को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बता दें कि रेणुकूट की रामलीला भारत में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है, जिसकी वजह यहाँ एक साथ 9 स्टेज पूरी रामलीला की शोभा बढ़ाते हैं। लगातार 9 स्टेज पर रामलीला का मंचन होता रहता है। हिंडालको द्वारा आयोजित इस रामलीला के मंचन को करने के लिए बाहर से किसी कलाकार को नहीं बुलाया जाता, बल्कि यहाँ के स्थानीय नागरिक, हिंडालको कर्मचारियों तथा उनके छोटे छोटे बच्चों द्वारा किया जाता है। गंगा जमुना के तहजीब पर यहाँ की लीला सभी लोग एक साथ भाईचारे के साथ बेखूबी निभाते हैं। लगभग 250 कलाकार पूरे रामलीला का सुंदर मंचन करते हैं। रामलीला के निदेशक सुनील परवाल ने रामलीला के मंचन में ब्रेक ग्राउंड म्यूजिक कर रामलीला की शोभा और सुंदर कर दिया। रामलीला परिषद के अध्यक्ष VN झा ने बताया कि यह भगवान की लीला है, जिसमें हमारे कलाकारों ने पिछले 2 महीनों से लगातार बहुत ही ईमानदारी के साथ अपनी अपनी भूमिका कड़ी मेहनत से निभाई, जिसका फल आज भगवान राम की लीलाओं को देखकर मिल रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तनवीर अहमद खान। अच्छा, आप यहाँ पे सबसे पुराने और सबसे वरिष्ठ कहते हैं कलाकार हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? अब महसूस तो हमें ऐसा होता है कि कलाकारों के बीच में ही हमारी जिंदगी है और हमारी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं रोल करते हुए अपने को विदा करूँ इसी रंगमंच से। इतना खूबसूरत लगता है, अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। सुंदर मंच चल रहा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे जितने हिंडालको रेणुकूट के कर्मचारी और उनके परिजन हैं, उनके द्वारा पूरा रामायण का मंचन होता है। आज 5वां दिन था और उसमें भरत राम संवाद बहुत ही मार्मिक था और इससे पूरा समाज की एक सीख मिलती है कि घर परिवार में शांति बनाए रखने से और निर्लोभ रूप से एक दूसरे को सहायता करने से हम कितना आगे तक बढ़ सकते हैं। और उसके बिना अगर किसी कहीं भी स्वार्थ आ जाती है तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है, जिसमें कि राम और भरत को अपने पिता को खोना पड़ा और बड़े भाई को वनवास जाना पड़ा, छोटे भाई भी राज्य को उसको संपूर्ण परिचालन करने में उनको भी दिक्कतें आई। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी एक मैसेज है जो परिवार में कैसे शांति बनाए रखें और निर्लोभ रूप से प्रजा की सेवा या अपने आप पर जो डिपेंडेंट है उसकी सेवा होना चाहिए। आपको रामलीला में करते हुए कितने साल हो गया? हमको रामलीला में करते हुए 30 वर्ष हो चुके। तो आप क्या बनते हैं यहाँ पर? हम रावण की भूमिका निभाते आए हैं। ये पहले के लीला में और अब की लीला में क्या फर्क है? पहले की लीला और आज की लीला में फर्क टेक्नोलॉजी का है। आज हम लोग टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी उन्नत कर गए हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक जो है पहले नहीं उपलब्ध था, लेकिन आज के समय में कंप्यूटर के आ जाने से ये सारी चीज़ें हमें नई टेक्निक मिली है, जिससे कि हम लोग जो है वो अच्छे ढंग से प्रस्तुतिकरण कर पा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं रामलीला? एक ऐसा मंचन है जिसके द्वारा आदमी नीचे से ऊपर तक उठता है और हर पटल पर जाकर के बोलने की उसको एक पटल मिलता है और बड़ी अच्छी तरह से बोल सकता है। तो आप क्या बने हैं यहाँ पे? मैं इस समय तो घर का रोल कर रहा हूँ, वैसे मैं मेघनाथ का रोल करता हूँ लगभग 30 वर्ष से।